हेलो एवरीवन, आई एम नकुल अरोरा एंड टुडे हम जुड़े हैं बात करने के लिए एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में। तो जो हमारी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जिसमें स्पेशल बेनिफिट्स देती है ये कुछ इंडस्ट्रीज को, कुछ ऐसी एंटिटीज को जो कि रजिस्टर्ड हैं अंडर द माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। ये तीन एंटरप्राइजेस अगर आप इनमें रजिस्टर्ड हैं तो आपको दिए जाते हैं कुछ फ़ायदे, ताकि आपको अपनी एंटिटी में वो बेनिफिट्स इस्तेमाल करके ग्रो करने में बेनिफिट्स हो, साथ ही साथ आप उठा सकें लाभ आपके बिजनेस में जो कि छोटे स्केल पर है, और आप अच्छे से कॉम्पीट कर सकें उनके साथ जो कि बड़े स्केल पे आपसे और आप ही की इंडस्ट्री में आपके साथ बैठे हैं। माइक्रो स्मॉल या मीडियम, ये तीनों में कैटेगराइज होने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा या आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? देखिए, इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही सिंपल हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट यानी कि आपने कितना पैसा लगाया है, कितना पैसा आप प्लांट एंड मशीनरी में लगाते हैं और कितना आप इक्विपमेंट में लगाते हैं। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख रुपए तक लगाते हैं और इक्विपमेंट में 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हैं तो आप हो जाते हैं माइक्रो यानी कि सबसे छोटे लेवल पे। इसमें माइक्रो इंडस्ट्रीज, इन तीनों की कैटेगराइजेशन के बेसिस पे ही आपके बेनिफिट्स डिसाइड होते हैं। तो 25 लाख के नीचे आपका प्लांट एंड मशीनरी और आपका इक्विपमेंट का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 10 लाख से नीचे तो आप बनेंगे एक माइक्रो एंटरप्राइज। अब आते हैं मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस पे। मीडियम से पहले बात करेंगे स्मॉल स्केल की। मीडियम से पहले स्मॉल स्केल की जब हम बात करेंगे तो स्मॉल एंटरप्राइजेस में दोनों ही कंडीशंस हैं, प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट और आपका इक्विपमेंट का इन्वेस्टमेंट। प्लांट एंड मशीनरी में अगर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख के ऊपर है, यानी कि 25 लाख के नीचे तो आप एक माइक्रो एंटिटी हो जाएंगे, लेकिन 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप बनेंगे एक स्मॉल एंटरप्राइज। और साथ ही साथ इक्विपमेंट में 10 लाख से ऊपर और 2 करोड़ से नीचे, 10 लाख से 2 करोड़, वो बनेगी स्मॉल एंटरप्राइज। तो कंडीशंस सिमिलर हैं, 25 लाख से ऊपर, 5 करोड़ से नीचे अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है, और 10 लाख के ऊपर और 2 करोड़ के नीचे आपका इक्विपमेंट का अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप बनेंगे एक स्मॉल एंटरप्राइज। अब आ जाते हैं मीडियम एंटरप्राइज पे। 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, 5 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है तो आप बनेंगे एक मीडियम एंटरप्राइज। और इक्विपमेंट की बात करके चलें तो 2 करोड़ के ऊपर जब आप जाते हैं इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 करोड़ तक, तो आप बनेंगे एक मीडियम एंटरप्राइज। लेकिन बात करते हैं अगर हम 10 करोड़ के ऊपर चले गए या 5 करोड़ के ऊपर चले गए, तो 10 करोड़ प्लांट एंड मशीनरी और 5 करोड़ आपका इक्विपमेंट, फिर आप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इन्हीं स्कीम्स के लिए एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले तो आपको 10 करोड़ के नीचे इन्वेस्ट करना होता है प्लांट एंड मशीनरी में और 5 करोड़ के नीचे आपके इक्विपमेंट में। लेकिन इसके नीचे भी आपकी कैटेगरीज हैं, जिन कैटेगरीज के बारे में हमने अभी 2 मिनट पहले बात करी। अब आपके मन में एक सवाल ऑलरेडी आ चुका होगा जिसका जवाब मेरे पास है कि हम क्यों करें इसमें रजिस्ट्रेशन और क्यों बढ़ाएं अपने लिए ये एक एक्स्ट्रा कंप्लायंस। देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम रजिस्ट्रेशन आप बिना अपने फायदे को देखे नहीं करते हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट को हर चीज़ में फॉलो करता हूँ, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। तो आपके लिए इसमें लगभग 9 बेनिफिट्स हैं। 9 बेनिफिट्स की वजह से ही एक एंटिटी माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज में अपने आप को रजिस्टर कराएगी। तो आपके बेनिफिट्स जो हैं, आप अगर लोन लेने बैंक में आज चले जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है, कुछ गिरवी रख के आना पड़ता है। अगर एक आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं तो आपको कोई भी कोलेटरल रखे बिना लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन्हें आप अगर बैंक में जाके पता करें तो वो एमएसएमई लोन्स के नाम से आपको एक स्कीम बताएंगे। तो एमएसएमईज के ऊपर लोन्स पे कोलेटरल नहीं रखा जाता है। अब आपको सब्सिडी मिलती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में, यानी कि अगर आप एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं अपने बिजनेस के लिए, जो भी आपका बिजनेस का नेम है या जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसको आप ट्रेडमार्क लेते हैं, किसी भी मार्क को आप रजिस्टर कराते हैं, तो आपको उसमें 50% की ह्यूज सब्सिडी मिलती है। यानी कि जो सब्सिडी, जो फीस 9000 रुपये लगती है नॉर्मल कंपनी के केस में, आपको एमएसएमई रजिस्टर्ड एंटिटी को वो सिर्फ 4500 रुपये फीस लगती है। ये रेट्स बढ़ते घटते रहते हैं, मगर 50% का आपको सब्सिडी मिलके रहेगा ट्रेडमार्क में। ऐसा ही जब आप कोई नया फॉर्मूला डेवलप करते हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं या कुछ भी जिसे आप पेटेंट कराना चाहते हैं, अगेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के पास हम जा रहे हैं, पेटेंट जब आप कराते हैं, क्योंकि हम बात करके चलते हैं कि इनोवेशन जो हम करते हैं तो बहुत ही स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो इनोवेट करती हैं आज की डेट में, वो इनोवेटिव इंडस्ट्रीज़ जो हैं जनरली उन्हें पेटेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है कि आपकी इतनी मेहनत करी हुई, कोई ईजाद करी हुई चीज़
आप उसको अपने नाम में पेटेंट कराना चाहते हैं, तो आप उसको पेटेंट कराने जब जाते हैं तो आपको 50% की ह्यूज सब्सिडी दोबारा मिलती है, यानी कि 50% आपको ट्रेडमार्क्स में और 50% की सब्सिडी आपको मिलती है पेटेंट्स में भी। अब एमएसएमई के पास एक स्पेशल राइट होता है कि वो इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी के भागीदार होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी क्या है? अगर एक एमएसएमई इंडस्ट्री, यानी कि वो एंटिटी जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, अपना इक्विपमेंट इंप्रूव करना चाहे तो गवर्नमेंट से उन्हें एक स्पेशल सब्सिडी ग्रांट की जाती है, जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी। अब सबसे बड़ी बात, ये जनरली वो वाला फायदा है जो कि सब बता के चलते हैं, जिस सबको लगभग लगभग पता होता है, और इसीलिए एमएसएमई में रजिस्टर कराने के लिए आपको उसके बेनिफिट्स का बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में एक स्पेशल सब्सिडी इंजॉय कर सकते हैं। करना क्या है, आप एमएसएमई में रजिस्टर कीजिए और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वहाँ पे आप एक लेटर सबमिट कीजिए, तो देर आर चांसेस कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में स्पेशल सब्सिडी भी दी जाएगी। एंड आईएसओ का सर्टिफिकेशन जो हम कराते हैं, यानी कि आईएसओ के सर्टिफिकेशन जो वेरियस कंपनीज से आप कराते हैं, वो पूरा पूरा अमाउंट जो आपका उसमें जो लगता है वो आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं। वो आपको रीइंबर्समेंट का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे रीइंबर्स कर दिया जाता है एक एमएसएमई को जितना भी खर्चा वो लगाती है आईएसओ सर्टिफिकेशन पे। ऐसा ही ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक से अपनी वर्किंग कैपिटल चलाने के लिए आप ओवरड्राफ्ट के लिए जाते हैं ना, तो आपको उसके इंटरेस्ट पे पूरे 1% का लाभ मिलता है। और सबसे बड़ा फायदा, देखिए हम व्यापार करते हैं, अगर व्यापार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आजकल हम फेस करते हैं वो है कलेक्शन का। देखिए काम हम कर देते हैं, सामान हम बेच देते हैं, लेकिन उसका पैसा कलेक्ट होने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। एमएसएमई बहुत ही छोटे स्केल पे काम कर रही है, हमने अभी बात करके चले। अब वो छोटे स्केल पे काम करते हैं, वर्किंग कैपिटल का उनको पहले एक एडवांटेज ज़रूर दिया ओवरड्राफ्ट के लिए, लेकिन अगर उनका डेट कलेक्शन में बहुत लंबा पीरियड लगेगा ना, तो उनको एक और डिसएडवांटेज हो जाएगी कि उनका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगा। वेल, एमएसएमई को यहाँ भी फायदा दे दिया गवर्नमेंट ने। एक एमएसएमई का पेमेंट ड्यू डेट से गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट करने से 45 डेज से ज़्यादा लेट करना एमएसएमई लॉ में अलाउड ही नहीं है, अनलेस आपने कोई और ड्यू डेट तय करी हो। अब देखिए, अगर आपने ही बिल के ऊपर लिख दिया कि 60 दिन बाद पेमेंट आएगा तो वो ड्यू डेट बन जाएगी, नहीं तो 45 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आपको ये पेमेंट करके चलनी होती है। नहीं करते हैं तो क्या, 15 दिन के अंदर अंदर ये पेमेंट एज पर लॉ आपको कर देनी होती है एक एमएसएमई इंडस्ट्री को। 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एनी पेमेंट टू एन एमएसएमई हैज टू बी क्लियर्ड। सो ये लॉ है, आपको इसका भी एडवांटेज मिलेगा, कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है ना वो डेटर में ब्लॉक नहीं होगा, यानी कि कोई लेनदार या कोई देनदार आपका पैसा रोक के नहीं बैठेगा, स्पेशली आपके कस्टमर्स, जो कि बिजनेस में एक बहुत बड़ा चैलेंज आज बहुत लोग फेस कर रहे हैं। देखिए इनकम टैक्स में भी कई तरह के एडवांटेजेस हैं, बट वो डिटेल में डिस्कस करी जाएंगी। बट हाँ, एज अ 9th एडवांटेज ये है कि आयकर में भी आपको बहुत से लाभ मिल जाते हैं। तो इनकम टैक्स में देर आर वेरियस एडवांटेजेस दैट आर गिवन टू एन एमएसएमई। अब देखिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये सर्विस तो शुरू कर दिया, ये एमएसएमई का एक कॉन्सेप्ट तो ला दिया। अब एमएसएमई रजिस्टर करने में अगर बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े कागजात मांग लिए आपसे, तो आप तो कंप्लायंस में ही फंसे रहेंगे। वेल, चिंता ना करें, एमएसएमई को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सरकार ने बहुत ही सिंपल सिस्टम बनाया और बहुत ही मिनिमल रिक्वायरमेंट है आपके डॉक्यूमेंट्स की। आप उतने से डॉक्यूमेंट्स, 4 मात्र कागजात आप एक बार सबमिट कीजिए और आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आराम से मिल जाएगा। यानी कि आपको एक तो बिजनेस का एड्रेस प्रूफ देना है, आपको सेल और परचेज के बिल्स की कॉपीज देनी है, पार्टनरशिप डीड MOA या AOA, अगर आप एक पार्टनरशिप है तो डीड दे दीजिए, और अगर आप एक कंपनी है तो MOA और AOA अपना सबमिट कीजिए, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और जो भी लाइसेंस है या बिल है किस चीज़ के, जो आपने मशीनरी लगा रखी है, इक्विपमेंट लगा रखा है, उसके जो लाइसेंस है, बिल्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया आपकी रजिस्ट्रेशन का पहला कंडीशन क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट है आपका मशीन्स में, इक्विपमेंट में। तो चौथा डॉक्यूमेंट ये है, क्या डॉक्यूमेंट हुए, बिजनेस एड्रेस का प्रूफ, MOA AOA यानी कि डीड वगैरह आपकी, बिल हो गए सेल परचेज के, और बिल हो गए आपके मशीनरी और इक्विपमेंट के। अब रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ही सिंपल है। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में सिर्फ एक सिंगल फॉर्म है जो आपको भरना है। सिंगल फॉर्म पे जाइए, वहाँ पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, आधार नंबर, इंडस्ट्री का नाम, एड्रेस, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, सबसे इम्पोर्टेंट बैंक अकाउंट की डिटेल्स, और कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन जो आपको फॉर्म में लिखी मिल जाएगी। एक खास इन्फॉर्मेशन ये है कि एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार कोई फीस चार्ज नहीं करती, इट्स अ 0 फी चार्ज सर्विस। पर आप जिस भी प्रोफेशनल को हायर करते हैं वो जो चार्ज करेगा वो उसका सर्विस चार्ज है।
आप उसको कॉम्प्लिकेट ना करें कि एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन की कोई फीस है। एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन की सरकार की तरफ से कोई फीस निर्धारित नहीं है, बिना किसी फीस के ये रजिस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। बट एज अ वर्ड ऑफ एडवाइस, आप एक प्रोफेशनल को हायर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, जो डॉक्यूमेंट्स में कमी पेशी है वो आपको उससे बचने को मिलता है और स्पेशली आपके काम जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 9 एडवांटेजेस हैं। बिजली का बिल है आपको 50% की सब्सिडीज है, ISO का पूरा सर्टिफिकेशन का पैसा वापस आ जाता है रिइंबर्स होके। इतने फायदों में अगर थोड़ा सा आप उस पर अगर थोड़ा सा आप टाइम लगा लें, थोड़ा सा आप उसमें किसी प्रोफेशनल को हायर करके अपने आप को MSME में रजिस्टर कर लें तो फायदे का सौदा है। अब सब व्यापारियों को आज मैं कहूंगा, एक बार अपना प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट चेक कीजिए, इक्विपमेंट का इन्वेस्टमेंट चेक कीजिए, शायद आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हों और इस एमएसएमई के दिए हुए लाभों का, जो हमारे सरकार ने लाभ दिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसका लाभ आप भी उठाइए आज जाके। तो जाइए अभी और चेक कीजिए, नहीं तो एक पेशेवर से सलाह लीजिए और जो लाभ आपको सरकार ने दिए हैं कृपया उनका भरपूर फायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।